हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज एंड देयर चेयरमैन के बारे में, और मैं आपको इन्हें लर्न करने की भी ट्रिक्स बताऊंगी, तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कमिटीज बनी क्यों थी। तो ये कमिटीज बनी थी डिफरेंट वर्कलोड को कम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल या कॉलेज में जब भी कोई भी फंक्शन होता है तो अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है, किसी को म्यूजिक की, किसी को डेकोरेशन की या फिर डांस की, जिससे वर्कलोड कम होता है और फंक्शन और अच्छे से होता है। सेम उसी तरह ये कमिटीज बनाई गई थी वर्कलोड को कम करने के लिए। तो अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट कमिटी के फर्स्ट चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। तो ये किस किस कमिटी के चेयरमैन थे? स्टीयरिंग कमिटी, एडहॉक फ्लैग कमिटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी, कमिटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर। अब बात आती है इसे याद कैसे रखें, तो इसे एक स्टोरी के तरीके से याद रखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, आपको नाम सुनते क्या याद आता है? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी नॉमिनल हेड, यानी कि ये स्टेट के तो हेड होते हैं पर गवर्नमेंट के हेड नहीं होते, और रियल पावर किसके पास होती है? जो गवर्नमेंट का हेड होता है। तो अब ये इनसे बोला गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हम एक काम करते हैं, आपके लिए फाइनेंस और स्टाफ के कुछ लोगों को अपॉइंट कर देते हैं, और आप सबको एक एक फ्लैग दे देंगे, और आप लोगों को क्या करना है, उस फ्लैग को स्टेयर करना है, यानी देखना है, और अगर उस फ्लैग में कोई भी कमी हो या कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग उसे दोबारा बनाने के रूल्स हमें बताइएगा। तो अब इसे कैसे याद रखना है आपको? हम आपके लिए फाइनेंस और स्टाफ के लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, यानी फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, एक एक फ्लैग दे देंगे यानी एडहॉक फ्लैग कमेटी, और आप लोगों को क्या करना है, उस फ्लैग को स्टेयर करना है यानी स्टेयरिंग कमेटी, और अगर उस फ्लैग में कुछ कमी है तो उसको फ्लैग को दोबारा बनाने के रूल्स बताने, यानी कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर। बात करते हैं हमारे सेकंड चेयरमैन यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। तो ये यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे। अब बात आती से याद कैसे रखें, तो आपको पता है असली पावर किसके पास होती है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, यानी यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। और कौन है कॉन्स्टिट्यूशन में? जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इसे आपको याद रखना है कि यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। फिर बात आती है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की, तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। ये आपको एज इट इज़ याद रखना है। अगले चेयरमैन जो आपको याद रखने हैं वो हैं सरदार पटेल जी। ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, कमेटी ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज के चेयरमैन हैं। अब इसको भी कैसे याद रखें, तो आपको याद है कि हमारे इंडिया में 550 प्लस प्रिंसली स्टेट्स थी, और सरदार पटेल जी ने ही उन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज करने का काम किया था। इससे याद रहेगा आपको प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। अब उन्हें मर्ज कैसे किया था? वहाँ के लोगों को फंडामेंटल राइट्स देके, यानी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। अब राइट्स दी थी लोगों को, अब वो लोग कौन थे? माइनॉरिटीज, ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरियाज के लोगों को फंडामेंटल राइट्स देके उन्होंने इंडिया में मर्ज किया था डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स को। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर सच में आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है न्यू वीडियो बनाने के लिए।